स्टेशन धंतोली में पिछले महीने अगस्त में धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें फिरियादी और आरोपी इनकी 3-4 महीनों पूर्व क्लब हाउस ऐप पर मेंबरशिप के जरिए दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच चैटिंग होती रहती थी। कुछ दिनों बाद आरोपी ने फिरियादी को चैटिंग पर ही अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। उसी ऐप पर झूठे माँ बाप दिखाकर लड़की का विश्वास जीता और शादी के लिए पूछा, लेकिन जब लड़की ने इनकार कर दिया तो लड़के ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करने के लिए मजबूर किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी कर दी है। हमारे यहाँ पे पिछले महीने में एक 376 आईटी एक्ट का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, उसमें की जो विक्टिम है उसकी एक गुने के आरोपी के साथ क्लब हाउस ऐप पे ऑनलाइन मेंबरशिप रजिस्टर करने के बाद एक फ्रेंडशिप हुई थी। फ्रेंडशिप के बाद वो लोगों में आपस में चैटिंग होती थी और चैटिंग के दरम्यान कुछ ही महीनों बाद आरोपी ने विक्टिम को प्रपोज भी किया था। विक्टिम ने जब उसको इनकार किया तो आरोपी ने इमोशनली विक्टिम को ये भी बताया था कि मैं एक बड़े जी न्यूज़ का पत्रकार हूँ और मेरे माँ बाप बिजनेसमैन है, और उसने उसी वो क्लब हाउस मेंबरशिप के जो कोई जो मेंबर्स है उनको उसके नकली माँ बाप बना के वो विक्टिम के साथ बात भी करवाई थी, हमारा लड़का अच्छा है वगैरह ऐसा कुछ। तो उससे उसने विक्टिम का एक विश्वास संपादन किया था और विक्टिम को प्रपोज किया और फिर उसको नागपुर मिलने के लिए भी बोला था। जब भी विक्टिम ने उसको इनकार किया तो आरोपी ने विक्टिम को एक मैसेज भी किया कि मैसेज ये किया कि यू कम विथ मी रिलेशनशिप अदरवाइज आई विल किल यू माई सेल्फ ऑल्सो आई विल किल यू यू ऐसा कुछ मैसेज किया था उस वजह से। और आरोपी ने एक बड़े न्यूज़ चैनल का पत्रकार और घर का कुछ कंडीशन बैकग्राउंड अच्छा है बताने के बाद फिर वो विक्टिम ऑब्वियसली वो आरोपी की फ्रेंड बनी। और वो नागपुर में जब एक होटल में मिले तो होटल में आरोपी ने वो विक्टिम के साथ ज़बरदस्ती रिलेशन बनाए और रिलेशन के जो वीडियो थे वो सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं उसने और वो वायरल भी किए हैं। यहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेशन चालू था। आरोपी ने जब विक्टिम के साथ बात की थी तो उसका रहने का पता दिल्ली बताया था और नकली आईडी भी बताया था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद आरोपी का असली नाम राकेश ओझा रहना जमशेदपुर ये पता चला है। और वो कोई जी न्यूज़ का पत्रकार वगैरह नहीं है बल्कि वो एक जर्नलिज्म का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उसके माँ बाप भी साधारण यानी आम लोग ही है।